also associated with a reputed US multinational as a director for one of the intellectual property departments. He's a BCom honor graduate and did certifications for financial management. With a zeal to do something apart from his regular job routine, he started his financial consultancy in the year 2008 and successfully delivering services to 400 plus families and their own corporates. He got married 6 years back and have two little naughty kids, Rian and Ram. आप सबके साथ में अपने वर्टिकल साइन इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीजें मैं डील करता हूँ एंड प्रगति परिवार के साथ में मेरा अब तक का सफर कैसा रहा। सो साइन इंश्योरेंस सॉल्यूशंस मेरी कंपनी का नाम है एंड आई डील इन जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज। जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज क्या क्या होती है इज मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिक्लेम, आपकी ऑफिस की इंश्योरेंस, आपके स्टॉक की इंश्योरेंस एंड योर ट्रेवल इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीजें जनरल इंश्योरेंस के अंदर हम लोग कवर करते हैं। मैं पिछले 12 सालों से इस इंश्योरेंस फील्ड के अंदर हूँ एंड आई एम कैटरिंग टू मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल क्लाइंट्स। मैंने हमेशा से, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट के साथ में भी अटैच हूँ, तो मैंने हमेशा रेफरेंस बेस्ड काम किया है। मैंने कभी भी अपनी कोई ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर कभी आप लोगों ने मेरे स्टेटस पे भी कुछ अपडेट होते हुए नहीं देखा होगा ड्यू टू माय रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। सो मैंने हमेशा रेफरेंस बेस्ड काम किया है, जिसके कारण आज तक 12 साल के अंदर आई एम डीलिंग विद मोर देन 400 फैमिलीज नाउ एंड डूइंग बिजनेस फॉर देम। एक ही मोटिव है कि जिसके साथ भी काम कर रहा हूँ, चाहे कम स्केल पे काम करूँ बट सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करूँ, बिकॉज हमारे बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है सर्विसेज। एक बार आपको इंश्योरेंस देने के बाद आपको भूल नहीं जाते और आपके साथ में आपके क्लेम्स के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, सारी की सारी चीजें पास कराते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी आज शुरू में बोला था कि मैंने लास्ट मंथ के अंदर ही अप्रोक्सीमेटली 58 लाख रुपीज का क्लेम अपने क्लाइंट्स को दिलवाया फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज। तो यही हम लोग हर महीने अपने क्लाइंट्स के साथ में जुड़े रहते हैं। आज मैं आप सबके साथ में बात करूंगा क्रिटिकल इलनेस के ऊपर। आप सब जानते हैं आफ्टर कोविड भी और उससे पहले भी ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखी कि क्रिटिकल इलनेस क्या चीज होती है और उसके अंदर एक परिवार जिसके अंदर ये क्रिटिकल इलनेस प्रॉब्लम आती है वो क्या क्या चीजें फेस करता है। क्रिटिकल इलनेस में यहाँ पे मेजरली चार चीजें यहाँ पे मेंशन है, हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक एंड डायलिसिस। ये चारों ही बीमारियां ऐसी हैं जब एक बार किसी के पास में, किसी के घर में ये बीमारी आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो भी उसकी जमा पूंजी होती है वो सारी की सारी इन्हीं सारी बीमारियों के अंदर लग जाती है। तो इन्हीं बीमारियों के लिए अगर किसी के परिवार में कुछ आए तो हम लोग उससे कैसे कैसे बच सकते हैं और अपनी उस टाइम पर जो हम लोगों ने जमा पूंजी आज तक इकट्ठी की है उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, आज एक फाइनेंशियल कवर लेके। ये कुछ स्टडी क्रिटिकल इलनेस के ऊपर ही जो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स के अंदर हम लोगों ने देखी कि एयर पोल्यूशन का आज सबको मालूम है कि AQI कहीं ना कहीं 400 से ऊपर जा रहा है और वो हम सबके लिए, लंग्स के लिए कितना हार्मफुल है एंड जो हम लोग डेली बेसिस पे चीजें यूज करते हैं और जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग सामान कह रहे हैं सब्जियां तक, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के कारण या फिर मिक्सिंग के कारण हम लोगों की बॉडी पे वो चीज कितनी इफेक्ट करती है जो कि आगे चल के लोगों को कैंसर की तरफ बढ़ा रही है एंड कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर वो सारी की सारी चीजें इकट्ठी होती जा रही है। तभी हम सारे के सारे भी पिछले एक साल से जितनी चीजें हम लोग कम मतलब केमिकल फ्री यूज कर सके उतनी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हिमानी जी के सोप्स, केमिकल फ्री सोप्स हम पिछले एक साल से अपने घर के अंदर वही यूज कर रहे हैं। थैंक यू हिमानी जी। एंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए, क्या आज आप सबको लगता है कि आपके पास में एम्पल कवर है कैंसर जैसी बीमारी लड़ने के लिए? अगर है तो हार्ड डाउन, अगर नहीं है तो एक बार हैंड्स अप कर दें। एम्पल कवर है आपके पास में कैंसर जैसी बीमारी को लड़ने के लिए? मेरे पास है कैंसर जैसी बीमारी को लड़ने के लिए एम्पल कवर। और ये मैंने कैसे बनाया ये मैं आप सबको बताऊंगा कि हम लोग इस बड़ी बीमारी अगर किसी घर में आती है तो उससे
जूझने के लिए जो उस टाइम पर फंड्स हमें चाहिए होते हैं उसको हम लोग कैसे अपने बैकअप में रख सकते हैं, उसे हम लोग कैसे इकट्ठा करेंगे, ये मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। बड़ी मुसीबत के अंदर, कैंसर जैसी बीमारी के अंदर हम लोगों को नाम ये बार बार दिमाग में आती ना, किसी ना किसी अपने का एक चेहरा दिमाग में आ जाता है, क्योंकि ये आजकल कहीं ना कहीं हमारे नोन में रिलेशन में कहीं ना कहीं बीमारी आज के डेट पे फैली हुई है। तो LIC आप सबके लिए लेके आया एक ऐसा प्लान जिससे के अंदर हम लोग 4 रुपए पर डे के अंदर भी हमें कवर मिल सकता है 10 लाख रुपए तक का, 4 रुपए पर डे। आज हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग अपना मूवी देखने गए या कुछ भी गए तो किस तरीके से 1000 रुपए 2000 रुपए वहां पे खर्च आते हैं पता ही चलता है, लेकिन 4 रुपए पर डे में हम लोग को कवर मिलता है 10 लाख रुपए तक का इस बड़ी बीमारी से जूझने के लिए। इस प्लान का नाम है LIC का कैंसर कवर प्लान, जिसके बारे में आज मैं आप सबको बताने वाला हूं। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत, इसमें सिर्फ 2 स्टेजेस ये कवर करता है प्लान। पहली स्टेज इज अर्ली स्टेज, अब पे अगर किसी को डिटेक्ट होता है, लेट सपोज अगर आप किसी ने 50 लाख रुपए का ये प्लान लिया है या 10 लाख 20 लाख कितने का भी आप ये प्लान ले रहे हैं, अर्ली स्टेज पे किसी को भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो इस प्लान के थ्रू उसको 25% अमाउंट उसी टाइम पर LIC रीइंबर्स कर देती है और आपकी पॉलिसी के लिए अगले 3 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम नहीं पे करना होगा। इसके अंदर 25% अमाउंट भी अगर किसी ने 50 लाख की पॉलिसी ली है तो 50 लाख की पॉलिसी के ऊपर आज मेरी एज पे मैं बताऊं तो प्रीमियम आता है साल का सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 हजार रुपए। एज के अकॉर्डिंगली प्रीमियम है 6 से 7 हजार, मतलब 500 रुपए महीना मैं इसके अंदर पे करता हूं। मैंने अपनी 50 लाख रुपए का एक कवर लेके रखा हुआ, इसके साथ में 25% उस टाइम पर मिल गया, 3 साल के लिए आपको कोई पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करना। लेकिन अगर अर्ली स्टेज के आगे बढ़ता है ये चीज तो जो इसका बैलेंस अमाउंट है 37.5 लाख रुपए कवर के अंदर से वो मिलता है और साथ में उस टाइम पर वहीं पे पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट खत्म। लेकिन ये पॉलिसी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद इंसान की असली जद्दोजहद शुरू होती है कि मेरी फैमिली का क्या होगा। तो उसको भी कैटर करने के लिए इस पॉलिसी के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर है वो है मंथली इनकम। 50 लाख रुपए का 1%, मतलब 50,000 रुपए हर महीना आपकी फैमिली को इनकम मिलनी शुरू होती है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके लिए, जब तक आप जीवित, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली मेंबर्स को अगले 10 साल तक ये इनकम मिलती रहती है 50,000 रुपए पर महीना, जिसका मतलब 6 लाख रुपए साल का, और 10 साल में 60 लाख रुपए आपकी फैमिली को LIC हर महीने के हिसाब से किश्तों में देता रहेगा, जिससे कि जो आपकी फैमिली की बेसिक नेसेसिटीज हैं वो उस टाइम पर पूरी होती रहेगी। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ में आपको बताऊंगा। मैंने आज से 3 साल पहले मेरे ऑफिस में एक फ्रेंड था, ऐसे ही बैठे हुए थे हम सबके सब, मैं एक की पॉलिसी कर रहा था तो उसने किसी एक और फ्रेंड ने उसको बोला कि यार कैंसर की पॉलिसी ले लेते हैं। तो उसने कहा यार क्या जरूरत है, हमें तो जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने कहा जरूरत तो किसी को भी नहीं पड़ती इस चीज की, लेकिन उसने कहा चलो अच्छा। उसने कहा नहीं यार ले ले। उसने कहा ले ले, तो सामने वाले का नहीं यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो अभी रहने। उसने कहा मैं दे देता हूँ तेरे पैसे और तू इस चीज को ले अपने पास में कवर रख। उसने एक 20 लाख रुपए की कैंसर की पॉलिसी 2018 दिसंबर के अंदर मेरे उस फ्रेंड ने ली। लास्ट ईयर इसी साल इनफैक्ट मई के अंदर उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। वो एक नॉर्मल अपना RCT कराने के लिए गया था। RCT के बाद में उसका दर्द गया नहीं, दर्द नहीं किया तो डॉक्टर्स ने उसको सजेस्ट किया कि यार एक बार आप अपना इसका एक्सरे कराओ। एक्सरे कराने में डॉक्टर्स को कुछ दिखा उसके मुख के अंदर एंड उसके बाद में डॉक्टर्स ने उसको फिर आगे CT स्कैन्स एंड ऑल सब चीज़ों के लिए उसको बोला और बाद में पता चला कि उसके मुख के अंदर वो पूरा का पूरा फैल चुका था। उसकी इमिजिएटली सर्जरी हुई मैक्स वैशाली के अंदर। मैक्स वैशाली में सर्जरी हुई, वहीं पर ही उसके 14 लाख रुपये लग गए और उसके बाद में 5 लाख रुपये उसके जो कीमोथेरेपी के वो अलग लग चुके। लेकिन जो उसने ना सोचे समझे उस टाइम पर कि जो उसको सजेस्ट कर दिया किसी ने और उसने वो कवर ले लिया, आज उसकी फैमिली को हेल्प कर रहा है। कि जो उसने आज तक अपने बेटे के लिए पैसे जोड़े थे, 4 साल का बेटा है उसका, वो उसके खर्च ना हुए और उसके पास में ये कवर एक इसके थ्रू उसकी सारी की सारी चीजें चल रही। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हम सोचते नहीं और कभी भी आता। इसके बारे में मैं आप सबके साथ में
आरटूपी करके इसके बारे में हम अलग से बात और करेंगे, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें कुछ एलिजिबिलिटीज 20 साल की एज से लेकर 65 साल की उम्र तक ले सकते हैं, मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 years, 30 years, मिनिमम मैच्योरिटी एट 50 years ऑफ द एज। ये कुछ मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि प्रगति परिवार के मेंबर्स से ही मुझको मिले। पिछले 5 सालों के अंदर प्रगति परिवार से बहुत प्यार मिला, 5 करोड़ से ऊपर का मैं बिजनेस कर इंश्योरेंस, बट ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स मैंने सैनिटाइजर का भी काम किया था, जिसमें मुझे प्रगति परिवार ने दिल खोल के सपोर्ट किया। थैंक्स टू प्रवीण सर एंड ऑल द मेंबर्स इन फैक्ट, दैट्स वंडरफुल। तो उस टाइम पर मुझे एक बड़ा बिजनेस प्रगति परिवार से मिला। मेरी आज की गिफ्ट है मिस्टर वरुण गुप्ता, सीएमओ क्राउन प्लाजा, दीपांशु अरोड़ा, 7 Heaven बैंकर्स वजीरपुर, अमन रुस्तगी, एडवोकेट 1MT, एंड आस्क हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, गिव मी द कांटेक्ट। थैंक यू, वंदे मातरम।